मध्य प्रदेश लगातार बाढ़ से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। सब कुछ बाढ़ की विनाश लीला की चपेट में आ चुका है, लेकिन इस विकराल परिस्थिति में भी राजनेता आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आ रहे। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि कमलनाथ सरकार की बड़ी लापरवाही के चलते भिंड जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। उनकी माने तो प्रशासन ने समय रहते बांध का पानी रिलीज नहीं किया, जिसके चलते ये तबाही का मंजर देखना पड़ रहा है। जो सरकार और प्रशासन की बहुत भयानक लापरवाही है, हर एक बांध में गांधी सागर सहित जुलाई में कितना पानी भरना चाहिए, अगस्त में किस स्तर तक पानी भरना चाहिए, सितंबर में किस स्तर तक पानी भरना चाहिए, ये लेवल तय रहता है। लेकिन इस बार भीषण बारिश होती रही, मौसम विभाग चेतावनी देता रहा, लेकिन जल का जो स्तर मेंटेन करना चाहिए था वो मेंटेन नहीं किया, पानी ज्यादा भरने दिया। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कह दिया कि सरकार का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता, ये सिर्फ जनता को बुद्धू बनाने का तरीका है। शिवराज ने मांग की है कि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत 25,000 रुपए सहायता राशि दी जाए और अनाज भी उपलब्ध करवाया जाए। हमारी मांग है, एक तो श्वेत पत्र जारी करें, दूसरे तत्काल हर परिवार को जिनके मकान डूबे हैं, अनाज जैसी कोई चीज नहीं बची है, उनका सर्वे तो पानी उतरने के बाद होगा, लेकिन 25,000 रुपए केवल अनाज के लिए, कपड़े लत्ते बर्तनों के लिए देने चाहिए, 50 किलो अनाज देना चाहिए, 5 लीटर केरोसिन देना चाहिए ताकि कुछ दिन के भोजन की व्यवस्था हो सके, फिर सर्वे ईमानदारी से होना चाहिए। खजाना कभी खाली होता है? ये कैसे मुख्यमंत्री और मंत्री है? मैंने तो कभी नहीं कहा खजाना खाली। शिवराज जी, सब अरे खजाना कहीं खाली होता है? खजाना कोई ऐसा थोड़ी को कोई रख के चला गया और खर्चा कर दिया जी। खजाने में तो लगातार टैक्स के कारण पैसा आता और जाता है। ये अच्छे मंत्री मुख्यमंत्री ऐसा बुद्धू समझते हैं सबको कि खजाना खाली हो गया, शिवराज सिंह ले गया क्या कहीं? शिवराज सिंह, मैं कहां से पैसे लाता था ये बताओ? पैसा आता टैक्स से और वही पैसा खर्चा होता है, निरंतर आता और निरंतर खर्चा होता है। ये अच्छी रट लगा ली कि खजाना खाली हो गया। ये हर जिम्मेदार शख्स की जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में अपनी राजनीति छोड़ बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करे, फिर चाहे वो विपक्ष का कोई नेता हो या हो कोई प्रदेश का मंत्री। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।